हेलो दोस्तों, वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ समय पहले मैंने ये खजूर से वाइन बनाया था। तो दोस्तों इस वाइन में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाला है, ये प्योर खजूर का ही ये बनाया गया है, यानी कि ये 100% ऑर्गेनिक वाइन है। तो दोस्तों अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों इस वाइन को फर्मेंट होते हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो इसका फर्मेंटेशन डन हो चुका है, बिल्कुल मामूली सा हल्का हल्का फर्मेंट हो रहा है, तो यह रेडी है। तो चलिए दोस्तों अभी इस वाइन को फिल्टर कर लेता हूँ, फिर हम इसको डिकेंट करेंगे और बॉटलिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसको फिल्टर कर लेने का है। तो दोस्तों इसको मैं छन्नी के साथ ही फिल्टर करने जा रहा हूँ। आप पनीर छनने वाला कपड़ा का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर वो फिल्टर पाइप होता है उसके साथ भी इसको फिल्टर कर सकते हो। तो मैं देखिए आम छन्नी का ही उपयोग करूँगा। तो दोस्तों हमने वाइन को फिल्टर कर लिए हैं, ये देखिए हमने इसको दूसरे जार में उलाद दिए हैं। तो अभी दोस्तों 4-5 दिन के लिए इसको ऐसे छोड़ देने का है। तो 4-5 दिन बाद दोस्तों इसका जो भी स्टोर, जो भी इसमें से खजूर का पल्प है वो नीचे बैठ जाएगा, फिर हम वाइन को ऊपर ऊपर से उठा लेंगे और बॉटलिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं डिकेंट करने के लिए कोई भी बिल्टोनाइट या किसी और चीज़ का उपयोग नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही डिकेंट करूँगा बिना कुछ डाले। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देने का है। ये देखिए दोस्तों ये पल्प है जो इसमें से मैंने छन दिए हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे ही छोड़ देने का है, 4-5 दिन बाद हम इसको बॉटलिंग करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसको पड़े हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो ये देखिए इसका ईस्ट और जो भी खजूर का पल्प था वो सभी कुछ नीचे बैठ चुका है। तो अभी हम इसको ऊपर ऊपर से उठा लेंगे और इसको बॉटलिंग करेंगे। यह देखिए दोस्तों इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, प्योर खजूर का कलर ये देखिए इसमें आ चुका है। इस वाइन की बहुत ही बढ़िया महक आ रही है। तो जो नीचे ईस्ट मिक्सड रह गया है उसको मैं अलग से बोतल में डालकर डिकेट करूँगा दोबारा से। तो देखिए इसको मैं अलग से बोतलों में डाल लेता हूँ जो नीचे ईस्ट मिक्सड है। तो जो हमने ऊपर ऊपर से ये साफ वाइन उठाया है अभी उसको बोतलों में डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने बोतलों में डाल लिए हैं, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो दोस्तों जार में जो नीचे पल्प रह गया है उसमें से भी काफ़ी वाइन निकल आएगा, तो उसको मैं अलग से बोतलों में डालकर डिकेंट करूँगा। तो चलिए उसको भी अलग से बोतलों में डाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं वाइन को टेस्ट करने जा रहा हूं। और दोस्तों जो देखिए मैंने गाजर को फर्मेंट किया था, आप कोई भी वेजिटेबल को फर्मेंट कर सकते हो, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। तो जो देखिए मैंने गाजर को फर्मेंट किया था। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फर्मेंट करने से ये जो सब्ज़ी होती है इसके गुण दुगने हो जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ये बहुत ही क्रंची हो जाती है।
तो यह देखिए गाजर को मैंने लैक्टिक फर्मेंटेशन किए हूँ। तो अभी ये मैं वाइन को टेस्ट करने जा रहा हूँ, साथ में ये गाजर खाऊँगा। तो चलिए जार में से थोड़ी गाजर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर मैंने लिफाफा लगा कर ये कड़ी पत्ते की टहनियाँ लगाई थी। तो दोस्तों ये देखिए है वाइन का कलर बहुत ही बढ़िया बना है। तो ये बहुत ही अच्छी वाइन बनी है, मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, ना ही मैंने इसको साफ़ करने के लिए कोई बेंटोनाइट या कोई एरिस्मोस डाला है। तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया ये क्लियर बन चुका है। और ये नीचे पल्प है जो मैंने अलग से ये देखिए इसको बोतल में डाल लिए हूँ, तो इसमें से भी काफ़ी वाइन निकल आएगा। उस दिन तक ये पल्प नीचे बैठ जाएगा तो वाइन ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों साथ में जो इलेक्ट्रिक फर्मेंट हुई गाजर खाऊंगा। तो चलिए वाइन को गिलास में डाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों वाइन बहुत ही साफ बहुत ही क्लियर वाइन बना है, इसके आर पार नज़र आ रहा है। और कलर तो आप देखिए बहुत ही मस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छा वाइन बना है। तो अभी इसको मैं पीकर देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आया है। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार यह वाइन बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। और दोस्तों साथ में ये देखिए ये फर्मट हुई गाजर खाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही क्रंची हो चुकी है, ये साथ में खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। लाजवाब दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये वाइन के साथ में, ये इलेक्ट्रिक फर्मेंट हुई गाजर या फिर मूली या फिर कोई भी सब्जी खाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया इसको पीने से, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसको बनाने के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मैं वाइन मेकिंग की क्लासेस भी लेता हूँ, अगर कोई मित्र मेरी क्लास अटेंड करना चाहता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल भी मिल जाएगा, आप मुझको ईमेल कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वाइन बना है। तो यह देखिए मैं और पीने जा रहा हूँ, मैंने जो देखिए एक गिलास और डाल लिए हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह रेसिपी भी बढ़िया लगी होगी, तो आप जो है ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों।